बिजनौर के सिहारा से बड़ी खबर, दबंगों के हौसले हुए बुलंद। मीडिया कर्मी से शिकायत करने पर दबंगों ने पीड़ित के साथ की मारपीट, मीडिया कर्मी के साथ भी किया दुर्व्यवहार। दरअसल दबंगों की दबंगई का ऐसा मामला सामने आया है जिसको देख और सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कहीं आप भी तो किसी ऐसे प्रकरण का शिकार तो नहीं हो रहे हैं। बता दें कि जनपद बिजनौर के सोहार स्थित एक बाइक एजेंसी से कुछ लोगों ने बाइक निकाली, जिनमें से कुछ ने अपनी बेटी की शादी में बाइक दी। अब इन लोगों का आरोप ये है कि इन्होंने एजेंसी पर काम करने वाले एक यतेंद्र नामक युवक को बाइक के पूरे पैसे बाइक एजेंसी के बाहर दिए। यतेंद्र ने उनको कुछ छूट दिलाने की बात कही थी, लेकिन उनको ठगी का एहसास तब हुआ जब उनकी बाइक फाइनेंस करने वाली कंपनी के कर्मचारियों ने जब्त कर ली। जानकारी के अनुसार ये मामला थाने तक पहुंच गया और यतेंद्र सिंह पुत्र तुलसीदास निवासी जमालपुर थाना धामपुर द्वारा पीड़ितों को बाइक छुड़ाकर देने या कंपनी से पीड़ितों को दूसरी बाइक दिलाने के नाम पर फैसला भी हुआ। लेकिन अब जब पीड़ितों को ना उनकी बाइक मिली और ना ही कोई अन्य बाइक, तब उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लेने की ठानी और बिजनौर टीवी से सुमित कुमार से संपर्क कर सोहारा बुलाकर आप बीती सुनाई, जिस पर सुमित कुमार के सहपाठी ने पीड़ित पक्ष और एजेंसी मालिक से भी बात की। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद जब सुमित कुमार अपने सहपाठी के संग कार में सवार होकर अपने गंतव्य को जाने लगे, तब कुछ अज्ञात लोग अपने आप को पत्रकार बताकर सुमित कुमार के साथ अभद्रता करने लगे और गलत शब्दों का भी प्रयोग किया गया। इतना ही नहीं, पीड़ितों के साथ कुछ लोगों के द्वारा हाथापाई भी की गई, जो आप वीडियो में भी देख रहे हैं। अब ये सब देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस सब प्रकरण के पीछे कहीं न कहीं एजेंसी मालिक का भी हाथ हो सकता है। लेकिन हम ये नहीं कहते हैं कि सबके पीछे एजेंसी मालिक का ही हाथ है। आप भी कमेंट कर अपनी राय जरूर दें कि क्या किसी पीड़ित की मदद करना गलत है क्या। डीपीपी न्यूज से सुभाष चौधरी की रिपोर्ट। आप भी कमेंट कर अपनी राय जरूर दें और डीपीपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही किसी भी खबर को डीपीपी न्यूज चैनल पर चलवाने के लिए या अन्य कोई जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आप हमारे फोन नंबर 7409720947 पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।